conquering you. रुचिता भाभी, बुआ जी के लिए बादाम वाला दूध बना लीजिए, वो उनके दिमाग के लिए समय फायदेमंद रहेगा। संभव जी, मैं बस 2 मिनट में बनाती हूँ। रुचिता, अगर संभव कह रहा है कि दूध फायदेमंद है मेरे लिए, तो बना दो ना बेटा, मैं पी लूंगी। हाँ हाँ, हम आप भी लाए। दस कदम ओवर, फिर निहार का गेम ओवर। वन, टू, फोर। और ये लास्ट, इसे क्या हुआ? रुचिता की बात मान लो क्या? मैं नहीं कर देता दोस्तों को। निहार जी के लिए थर्मस में कॉफी बनाई थी, उन्हें देना ही भूल गई। अभी देकर आती हूँ। हेलो निहार, कब तक आ रहा है? मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। ले जाता हूँ, कुछ दिनों की तो बात है। निहार जी तो चले गए। संभव जी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? आपके आंख में कुछ गया क्या? अरे रुचिता, हाँ, इसे बचपन से ही ऐसी प्रॉब्लम है। जब कभी इसका जी घबराता है ना, तो इसकी आंख ऐसी फड़कने लगती है। लेकिन अभी क्यों घबरा रहे हैं आप? वो जब कोई बाहर जाता है ना, तो मेरा मन घबराने लगता है। मैं बाहर से आता हूँ थोड़ी 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 ताजी हवा लेके। खाटू श्याम जी, प्लीज मेरे निहार जी की रक्षा करना। मैं मेरे डर को गलत साबित कर देना, लेकिन उन्हें कुछ मत होने देना।
बाय ब्रो। इन पुरानी हवेलियों के यही फायदे हैं। मैंने तो जरा सा गड्ढा खोदा था, लेकिन इसने तो ये कमरा गिफ्ट कर दिया। अच्छा है, अब निहार यहाँ आराम से आखिरी सांसें ले सकेगा। अब आएगा मजा। मुझे निकालो यहां से, कोई मेरी मदद करो। रुचिता मॉम, रुचिता निकालो मुझे। भैया कैसे आए, ये सब क्या हो रहा है, सब कौन है, यहां से बाहर कैसे निकलूं, मुझे किसने लाया यहां पे, अरे मुझे कोई बाहर निकालो। रुचिता मॉम प्लीज, रुचिता बेचारा, रुचिता मुझे निकालो यहां से, कोई है। रुचिता मॉम, रुचि कहाँ ध्यान है तुम्हारा, देखो कितना खून निकल रहा है। भाभी 2-3 घंटे हो गए निहार जी का अब तक कोई कॉल नहीं है। रुचि कैसी बातें कर रही हो तुम, वो जगह वैसे भी 2-4 घंटे दूर है, ट्रैफिक में फंस गए होंगे, कुछ भी हो सकता है, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई होगी ना। हाँ लेकिन पता नहीं मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे निहार जी मुझे बुला रहे हैं। मैं एक बार कॉल करती हूँ उन्हें। हाँ, रुचिता बहुत ट्रैफिक है, 1-2 घंटे और लग जाएंगे पहुंचने में, मैं तुम्हें मिस कर, याद है अधूरा। नहीं नहीं वो नेटवर्क इशू होगा शायद, इस वजह से पूरा नहीं आया होगा, पर निहार भैया ठीक है ना, सुना ना तुमने। हाँ फालतू टेंशन लेती रहती हो, हाथ दो तुम अपना, ना खून निकल रहा है इसमें से। वाह निहा, फोन में भी रुचिता की फोटो लगा रखी है। लैला मजनू, रोमियो जूलियट, इनको लगता है हराना चाहते हो तुम दोनों, पर अफसोस हरा नहीं पाओगे, तुम्हारी लव स्टोरी का दी एंड भी उन्हीं की तरह होगा। संभव जी बुआ, बताइए तुम दिन हो रात हो ये चुकंदर का जूस ही पीते रहते हो, कभी कोई और जूस भी पी लिया करो। एक्चुअली बुआ ये जूस मेरा इसलिए फेवरेट है क्योंकि इसका और खून का रंग सेम है, एंड आई लव खून, मैं डॉक्टर हूं ना बुआ, तो खून से तो मोहब्बत करनी पड़ेगी मुझे। वैसे बेटा क्या सोचा है तुमने रुचिता के बारे में, कैसे दूर करोगे उसे निहार की जिंदगी से। रुचिता की टेंशन आप मत लीजिए बुआ जी, मुझ पे भरोसा रखिए ना। रुचिता और निहार कभी एक नहीं हो पाएंगे। कितना गंदा हो रखा है गार्डन, हर जगह सूखे पत्ते मिट्टी सब फैले हुए हैं, आप ना इसको प्लीज अच्छे से साफ कर दीजिएगा, ठीक है। और उस तरफ भी ना जीतू भैया पूरा,
यहाँ फाउंटेन के पास तो कुछ ज्यादा ही मिट्टी है। जीतू भैया यहाँ पे भी बहुत मिट्टी है, इसको भी साफ कर दीजिएगा। कोई है? कोई सुन रहा है मुझे? हेलो, कोई तो सुन लो। हेलो, काश मैंने रुचिता की बात मान ली होती, काश मैं घर से निकलता ही नहीं। क्या सोच रही हो रुचिता? कुछ नहीं माँ, ऐसा लगा जैसे निहार जी वापस आ गए। अरे कम से कम एक दिन के लिए तो चैन की सांस लेने दो बेचारे को। मेरा मतलब है कि वो दोस्तों के साथ गया, एंजॉय कर रहा होगा, और कह भी तो गया था कि एक दिन लगेगा उसको, तो एक दिन शांति से इंतजार कर लो। संभव जी आपकी आंख फिर से भड़क रही है, आप फिर से नर्वस हैं क्या? जी नहीं, अभी कभी नॉर्मल लोगों की तरह धूल छाने से भी मेरी आंखें फड़फड़ाती हैं। सो प्लीज आप ये सब बाद में करवा लीजिएगा प्लीज। लेकिन अरे हाँ, बाद में हो जाएगा ना ये सब साफ सफाई, क्या जरूरत है अभी करने की। रहने दो, सुनो, रहने दो, बाद में हो जाएगी सफाई, छोड़ दो अभी। रुचिता तुम भी अंदर जाओ। अभी तक फोन क्यों नहीं किया आपने निहार जी? आई मिस यू सो मच, पता नहीं आप मुझे मिस कर भी रहे होंगे या नहीं। पानी साइड का डोर, कोई मेरी मदद करो प्लीज, हेल्प, कोई मुझे बाहर निकालो। तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बनाने आया हूं और उसका शुभारंभ हो चुका है। तो सामने आ। मेरी आवाज में बात क्यों कर रहा है? ये मास्क के पीछे क्यों छुपा है? मास्क उठाओ और चेहरा दिखा अपना। चेहरा दिखा अपना।
किसी को घर पे पता भी है कि नहीं कि मैं पार्टी में नहीं हूं, यहां फंसा हूं। कोई सुन रहा है मुझे? कोई बचाओ, हेल्प मी। देर हो गई, अभी तक निहार जी का कोई फोन नहीं है। निहार जी के फोन की आवाज, वो भी घर से। ये तो निहार का फोन बज रहा है। कहाँ रख दिया मैंने उसका फोन? ये गाना तो स्पेशली निहार जी ने सेव किया था, क्योंकि इस पर हमने पहली बार डांस किया था। लेकिन ये रिंगटोन हर से कैसे आ रही है? न जाने क्यों मेरा दिल इतना घबरा रहा है। खाटू श्याम जी, निहार जी ठीक हो बस। रुचिता, रुचिता, रुचिता। रिंगटोन की आवाज घर के अंदर से कैसे आ रही? जबकि निहार जी ने तो बताया था कि वो पहुंचने वाले हैं। संभव जी, आपके कमरे से मुझे निहार जी का फोन बजने की आवाज आ रही थी। क्या? हाँ। अभी निहार यहाँ है नहीं तो उसका फोन यहाँ कैसे बजेगा? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वो एक्चुअली मेरी रिंगटोन भी सेम है ना, तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। अभी वही बज रहा था। नहीं, संभव जी, वो जो सॉन्ग है ना, वो बहुत खास सॉन्ग है। हाँ, वही सॉन्ग मेरा भी फेवरेट है। नहीं, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। आवाज यहीं से आ रही थी। The number you are trying to call is currently switched off. फोन स्विच ऑफ कैसे हो गया? भाभी, वो फ्रेंड्स की पार्टी में गया है। अपनी बीबी का फोन तोड़ना उठाएगा, इसलिए ऑफ कर दिया होगा। अब साफ साफ बताइए कि निहार जी का फोन आपके पास कैसे आया? उनके फोन से मुझे परेशान क्यों कर रहे थे? कहाँ है मेरे निहार जी, मुझे बताइए। आप ऐसे नहीं बताएंगे। मैं आपके इस हरकत के बारे में घर वालों को बताती हूँ। रुकिए। आपको यकीन नहीं है ना मेरे पे? यकीन नहीं है ना? पता था मुझे। लाइए। सुनिए।
कहा था ना मैं क्या भाभी, कोई बात नहीं, खाना तैयार है, आप खाने आ जाइएगा। जी अभी आता हूँ। रिंगटोन भले ही सेम थी लेकिन जब मैंने कॉल किया था तभी रिंगटोन बजी थी और जब मैंने कट किया था तो आवाज बंद हो गई थी। मतलब इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? रुचि, रुचि सबने खाना खा लिया है, तुम भी खा लो। निहार भाई आज नहीं आने वाले हैं। घबरा रहा है। खाटू श्याम जी, निहार जी ठीक हो? बस रुचिता, रुचिता, रुचिता। साफ साफ बताइए कि निहार जी का फोन आपके पास कैसे आया? उनके फोन से मुझे परेशान क्यों कर रहे थे? कहाँ है मेरे निहार जी, मुझे बताइए। आप ऐसे नहीं बताएंगे। मैं आपके इस हरकत के बारे में घर वालों को बताती हूँ। साफ साफ बताइए कि निहार जी का फोन आपके पास कैसे आया? उनके फोन से मुझे परेशान क्यों कर रहे थे? कहाँ है मेरे निहार जी, मुझे बताइए। आप ऐसे नहीं बताएंगे। मैं आपके इस हरकत के बारे में घर वालों को बताती हूँ।